उपस्थित युवा साथियों, निश्चित ही इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हैं तो कहीं न कहीं नाम से ही स्पष्ट होगा कि हम लोग यहां क्यों मिल रहे हैं। बात हो रही है, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जब भी किसी प्रेरणा की हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति चाहता है कि जो वर्तमान में चल रहा हो उससे कुछ बेहतर भविष्य कैसे हो, और तभी संभव होता है जब किसी प्रेरणा का संचार हो। आदमी सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या क्षमता है। जब ऐसा सोचने लगता है तो स्वयं उस परिवर्तन का वो वाहक बन जाता है जिसकी कल्पना करता है। तो हम लोग बक्सर की इस पुण्य भूमि पर जब बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इस भूमि का नमन करता हूं जो विश्वामित्र जी की तपोस्थली रही है। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अध्ययन स्थली रही है और अनेक गौरव जिसने इतिहास में प्राप्त किए हैं। सौभाग्य मेरा भी था वर्ष 2016 में दिसंबर के महीने में यहाँ के प्राचीन अवशेषों को देखने का अवसर मिला। बक्सर के संग्रहालय में भी एक एक मूर्ति को, एक एक छोटे से छोटे जो वस्तु रखी थी उसको भी देखने का अवसर मिला और मन अत्यंत गौरवान्वित हुआ कि किस भूमि पर आज पुनः आगमन का अवसर मिला है। जब प्रेरणा के लोग बात कर रहे हैं तो मेरे मन में कल्पना यही है कि आप में से हर व्यक्ति में वो सामर्थ्य है जो दूसरे को प्रेरित कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो प्रेरित कर सकता है, बताइए। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो प्रेरणा का प्रसार कर सकता है, प्रेरित कर सकता है? बोलिए, जोर से बोलिए। कौन ऐसा होगा जो प्रेरित कर सकता है? आप कर सकते हैं, कर ही सकते हो। तो मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति में सामर्थ्य प्रेरित कर सकता है, और उसमें बेसिक बेटे वो मूल गुण क्या होंगे किसी व्यक्ति में जो किसी को प्रेरित कर सके। तो हर व्यक्ति उत्तर जानता है, बताइए क्या गुण हो सकता है ऐसे व्यक्ति में? क्या गुण होंगे जो किसी को प्रेरित कर सके, क्या उपलब्धि होगी, क्या होगा, कैसा व्यक्ति किसी को प्रेरित कर सकता है? चलो इसी बात यही बताइए। बिल्कुल, जो व्यक्ति सफल हो, जो व्यक्ति सफल हो, जिसको लगे कि देखकर किस व्यक्ति ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उसके जो लक्ष्य थे उसने उसको प्राप्त कर लिया, वैसे व्यक्ति से ही तो हम प्रेरित होते हैं। इतिहास में भी जो पात्र थे जो हमको प्रेरित करते हैं, कौन से पात्र हैं? आज हम बात करते हैं महर्षि विश्वामित्र की, क्यों बात करते हैं, क्यों प्रेरित होते हैं हम? उनके तप में वो शक्ति थी जिसने ऐसी प्रेरणा का संचार किया कि आज भी हम प्रेरित होते हैं कि किसी व्यक्ति में कितना सामर्थ्य हो सकता है। तो यदि हम बात कर रहे हैं किसी को प्रेरित करने की, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न होगा कि आप में से कितने लोग सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में? सब होना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, यही तो वास्तव में प्रेरणा का संचार वही होता है जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है, मन में लक्ष्य होता है। लेकिन उसके बाद अपन में अंदर सोच के बताइए कि आपका जो लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य आपने मन में जिसका जिसकी कल्पना की होगी, अंतर में कितना विश्वास है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करके सफल होंगे? कितने लोगों में विश्वास है कि सफल होंगे? अगर सब में विश्वास है तो फिर किसी संबोधन की आवश्यकता है ही नहीं। यही वह मूल है जिसमें परिवर्तन की क्षमता है, अपने अंदर का विश्वास।
इतिहास में जिस किसी ने भी परिवर्तन किया होगा, परिवर्तन को होते हुए देखा होगा, ऐसा ही व्यक्ति था जिसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। ऐसा ही व्यक्ति कोई था जब पूरी सभा में उसके अंदर यह आत्मविश्वास था कि सबसे बड़े उस समय के ज्ञानी को भी चुनौती दे सके, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर विश्वास था। जब सफलता की हम लोग बात करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, जब खास करके युवाओं से बात होती है तो हर व्यक्ति के मन में होता है कि मैं सफल हो जाऊं। लेकिन कुछ समय के बाद अब जब लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके मन में जब वो युवा थे तो क्या सपने थे, क्या उसको पूरा कर सके, तो अधिकांश लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि जब हम युवा थे तो बहुत सोचते थे, सपनों की दुनिया में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके दुनिया बड़ी जटिल लगी, बहुत सारी समस्याएं लिखी, जैसे सपने थे दुनिया उतनी आसान नहीं थी, इसलिए हम टूट से गए, फिर जो नियति थी उसको हमने स्वीकार कर लिया। अधिकांश लोगों से आप बात करेंगे जिन्होंने उम्र में कुछ कई वर्ष व्यतीत कर लिए हो, बिता दिए हो, तो उनके मन में लगभग भाव यही रहेगा कि जो मेरी कल्पना उस समय थी उसको मैं पूरा नहीं कर सका। कुछ ही लोग मिलेंगे जीवन में जो संतुष्ट होंगे कि युवावस्था में जो मेरी कल्पना थी उसको मैं पूरा कर सका। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जो कल्पना आपके मन में है उसको पूरा करें? सब चाहते हैं, लेकिन जब देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि सब लोग नहीं कर पाते, यही रहस्य है जिसको प्राचीन काल से ही, जो पहली बात मैंने कही आत्मविश्वास, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चीज होती है मन में कामना कुछ प्राप्त करने की। जब मन में इच्छा होगी तभी आप कुछ प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि मन में केवल कल्पना करते रहे तो लक्ष्य प्राप्त होगा क्या? सब लोग विद्यालय पढ़े होंगे, उद्यमे नहीं सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य भविष्यन्ति मुख्य प्रगा। बिना उद्यम से कोई कार्य सिद्ध होते नहीं, तो मन में कल्पना हो सकती है, कामना हो सकती है, लेकिन जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तो कोई भी लक्ष्य तथा प्राप्त नहीं होगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा। शॉर्टकट की बात सोचेंगे तो बहुत लोग मिल जाते हैं जो बताएंगे कि हम पेपर लीक करा देंगे, ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप परीक्षा में टॉप कर जाओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब ऐसे मार्ग अपनाओगे तो अंत क्या होता है? इसमें कोई भ्रम है क्या किसी को? जब भी कोई गलत काम करके आप सफलता प्राप्त करेंगे उसका अंत भी गलत ही होगा। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि हम स्थापित हो गए उस उत्कर्ष पे, उस शिखर पे जिसमें लोग हमको सफल मानते हैं, लेकिन पंचतंत्र की कहानी तो याद ही होगी। जब सियार के बीच में किस प्रकार से सियार बोलने लगे, किस प्रकार से किस जो अपने आप को सियार नहीं बता रहा था, रंगा हुआ था, उसके अस्तित्व का पता चल गया। तो जो भी सफलता सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर नहीं ले जाती है, व्यक्ति धराशायी हो जाता है। परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम बहुत लोग करते हैं। आखिर कुछ ही लोग क्यों होते हैं? सब लोग के मन में इच्छा होती है, सब लोग चाहते हैं, आत्मविश्वास भी होता है, परंतु तो क्या चीज है जिसके कारण कुछ ही लोग सफल होते हैं? जैसे हम लोग त्रिकोण को देखते हैं, त्रिकोण को अगर तीन भाग में बांटिएगा तो सबसे जो ऊपर से बांटिए तीन भाग बराबर है, तो सबसे छोटा भाग ऊपर होगा, उससे थोड़ा बड़े क्षेत्र में उसका अगला भाग होगा, थोड़े बड़े क्षेत्रफल वाला उसका नीचे वाला भाग होगा। तो जब लोगों को हम लोग देखते हैं, हर व्यक्ति के मन में जब कल्पना होती है तो अधिकांश व्यक्ति उसी नीचे वाले त्रिकोण के भाग में रह जाते हैं। कल्पना तो थी, कुछ परिश्रम भी किए, लेकिन जो लक्ष्य था ऊपर पहुंचने का पहुंचे नहीं। क्या कारण था? धैर्य की कमी, पेशेंस की कमी। धैर्य की कमी, अच्छी बात है। और बताइए,
सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, वहीं से तुम लोग शुरू हुए। और बताइए कंटिन्यूटी सर। जी ज्ञान का दृष्टिकोण क्या कहेंगे लोग, असफल क्या कहेंगे लोग, दृढ़ निश्चय। यदि व्यक्ति के मन में कल्पना भी हो परिश्रम भी करे तो इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, धैर्य चाहिए। जब भी हम किसी लक्ष्य पर चलते हैं तो समय हमारी परीक्षा लेता है। आसपास की परिस्थिति कुछ ऐसी होती जाती है जिसमें आपको सिद्ध करना होता है कि मैं कठोर हूं, जो निर्णय मैंने लिया था उस पर अडिग हूं। ये तभी संभव है जब आपका निश्चय दृढ़ होगा। जब निश्चित होंगे तो आत्मविश्वास की बात हुई, विश्वास में कमी नहीं होगी तो हम निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है जिसको हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग भी गाया करते थे, उसमें इसी प्रकार के तीन लोगों की परिभाषा है। आप भी इसको अगर याद कर लेंगे तो जीवन की किसी सफलता में विफल नहीं होंगे, किसी भी परीक्षा में आप निश्चित सफल होंगे। काम शुरू करते नहीं वैसे नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। काम शुरू करते नहीं वैसे नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल। उत्तम कौन है? उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से पढ़ते सतत बाधाओं को ढेर। जीवन में जो कल्पना आपने की, परिश्रम करना होगा, परिस्थितियां आएंगी जिसमें आपको लगेगा संभव नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना होगा। आत्मविश्वास, हम लोग तो वहां बैठे हैं जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विद्या ग्रहण किया था। बात हम लोग कर रहे हैं बिहार की, तो सबसे पहले सफलता के सूत्र पे हमने बात की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी प्रेरित कर पाएगा जब स्वयं सफल हो। यदि स्वयं स्थापित नहीं हुए, अगर आपने स्वयं सिद्ध नहीं किया कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्षमता क्या है, तो भाई दूसरा व्यक्ति आपसे क्यों प्रेरित होगा, क्यों प्रभावित होगा? और वैसा परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं जिसको हमने स्वयं सिद्ध नहीं किया हो? अपने बचाव पर कितना सामर्थ्य है? और बिहार को जो प्रेरित करने की बात कर रहे हैं, क्यों करते हैं? बक्सर में हो, हर व्यक्ति गौरवान्वित है बक्सर के इतिहास में, लेकिन जब पूरे बिहार के समेकित रूप में इतिहास पर हम चिंतन करते हैं तो क्या पाते हैं? क्या गुण थे जो इस भूमि को परिभाषित करते हैं, बताइए। बिहार के इतिहास में जब सोचते हैं कि बिहार का इतिहास कैसा था, तो सबसे पहली बात क्या याद आता है, किस बात का स्मरण आता है? ज्ञान की कल्पना करें तो वेद लिखे गए थे पश्चिमोत्तर भारत में। सबसे प्राचीन ग्रंथ पूरे विश्व का कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों को ज्ञान का भंडार माना गया प्राचीन काल से ही। लेकिन वेदों की भी जब बात करेंगे तो वेदों में भी वो भाग कौन सा था जिसको सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट माना गया, बताइए। सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद है, लेकिन सबसे उत्कृष्ट वेदों में चिंतन को ज्ञान को किसको माना गया? जहां वेदों का अंत हो जाता है, वेदांत। सबने सुना होगा, सुने कि नहीं? वेदांत जिसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की भूमि क्या थी, कौन सी भूमि थी जहां उपनिषद रचे गए, जहां उनकी दृष्टि हुई, बताइए। वो कौन सा क्षेत्र था जहां उपनिषद का दर्शन हुआ? सन्नाटा क्यों है? तो हर व्यक्ति के लिए गौरव होना चाहिए कि जहां वेदों को हम प्राचीन काल में ज्ञान का भंडार मानते थे, वो वेदों में जो सबसे उत्कृष्ट कुछ था जिसको दर्शन मानता है, यही बिहार तो था। मिथिला के जंगलों में आचार्य का अपने शिष्य के साथ संवाद होता है, श्लोक निकलते हैं, उनको उपनिषद कहते हैं, जिसने प्राचीन काल से हर भारतीय को प्रेरित किया। पूरे धर्म का आधार अगर कुछ है तो वेदांत।
जिसमें उस प्रकार की दृष्टि है कि हर व्यक्ति में वही आत्मा है जो परमात्मा का रूप है, कोई भिन्नता है ही नहीं। आज हम लोग बात करते हैं लोगों को छोटे छोटे भागों में बांट कर, जिसको अनेक पशुओं को मिलकर खींचना हो तो जब सभी पशु मिलकर खींचते हैं तो बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन यदि खींचने वाले जो पशु हैं आपस में संघर्ष करने लगे, एक कहे कि मैं आगे जाऊंगा, दूसरा कहे कि मैं पीछे चलूंगा, तीसरा बाएं जाने की जिद करने लगे, तो उस रथ का उस गाड़ी की क्या स्थिति होगी? गाड़ी कभी आगे बढ़ेगी क्या? तो जब समाज की हम लोग बात करते हैं, राष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, यदि आपस में हम लोग एक दूसरे का सहयोग करके एक साथ नहीं चलेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, तो बिहार का भविष्य कैसा होगा? आज से जो प्राचीन काल से ही अक्सर आप लोग घर में पूजा में यज्ञ के अंत में जो पूर्ण था वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा, जो पूर्ण था पूर्ण है पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। क्या मतलब था कहने का? पूर्ण का मतलब परमेश्वर, जैसे हम लोग कहते हैं आत्मा में परमात्मा का रूप कहते हैं, घर में सुने होंगे आप लोग माता पिता को बड़ों को कहते हो कि आत्मा में भी परमात्मा का ही अंश है। तो ऋषि ने कहा जो पूर्ण था वो पूर्ण है और पूर्ण में ही पुनः विलीन हो जाएगा, पूर्ण ही रहेगा। क्यों कहा? किसी छोटे से एक धातु को, मान लीजिए सोना है, स्वर्ण को हम लोग काटेंगे, छोटे छोटे भागों में खंडित करेंगे, तो छोटे से जो छोटा भाग होगा उसमें गुण क्या होता है? क्या गुण होगा, कैसा होगा? जो मूल धातु का गुण होगा वही होगा, कितना भी छोटा काट लीजिए गुण तो वही होगा, वैसा ही चमकेगा, वैसे ही प्रकार की चीज होगी। तो उसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो कितना भी छोटा अंश होगा परमात्मा का तो गुण क्या होंगे उसमें, क्या गुण होंगे? वही मूल गुण होंगे ना, ये अलग हो जाएंगे। और जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं उसमें तो पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता है, जो भी चीज होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पत्ता भी हिलता है तो इच्छा से हिलता है, यदि उनका अंश हमें है तो गुण क्या होंगे? निश्चित वही गुण होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और कहते हैं बड़ा अंधेरा है, तो मैं तो सबसे निकृष्ट प्राणी मैं ही हूं, भगवान ने मेरी किस्मत फूटी कर दी, ऐसी बातें बोलते हुए लोगों को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? लेकिन जिसके अंदर देवत्व इस प्रकार भरा हो, यदि उसके अंदर ये बोध जाग जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, तो जीवन का कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं है। मैंने स्वयं देखा है, बड़े बड़े परिवर्तनों को अपने इस छोटे से जीवन काल में होते देखा है। जब कल्पना जगी मन में और लोगों से वार्ता शुरू हुई, जब बोध जागृत हुआ किस प्रकार के लोग आप हैं, आपके पूर्वज कौन थे, चीजें बदल गई। बघा में असली था, उत्तर बिहार में आप लोग नाम सुने होंगे, बड़ा बदनाम था, लोग मिनी चंबल कहा करते थे। मेरी पहली पोस्टिंग थी एक स्वतंत्र एसपी के रूप में, बहुत सालों से अपहरण हुआ करते थे, और जब लोगों से बात होती तो कहते कि अंग्रेजों ने भी लिखा था इट्स ए यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, पैसों के लिए तो लोगों का अपहरण होते हुए सुना था। वहां पर लिस्ट बनती थी बकायदा, जिसमें पैसों के साथ साथ अनाज, चांद मार्का की लुंगी, अलग अलग खस्सी, दूध, इस प्रकार की सूची बनकर दी जाती थी, और इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की फैसिलिटी थी। बहुत समय से ऐसा ही चल रहा था, तभी मिनी चंबल कहते थे, भौगोलिक परिस्थिति बड़ी दुष्कर थी। और लोगों से जब बात होती तो कहते कि यहाँ तो महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। क्यों कहते? क्योंकि तो वाल्मीकि भी कभी रत्नाकर के रूप में जाने जाते थे, उस समय जो अपराध था तो आज भी तो चले गए, ये तो इस भूमि की प्रवृत्ति है। उसी को जब इतिहास की उस दृष्टि से देखा गया तो मैंने पूछा, सभी जो अभियान चले, बहुत सारे अभियान चले पुलिस के, बहुत सालों से ऐसा चल रहा था, लेकिन जब उन डकैतों के परिवारों से बात शुरू हुई
एक ही प्रश्न था, यदि रत्नाकर रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व उनको जानता? यदि व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन नहीं करे, जो भी भाव उसके प्रसिद्ध किए उसी में उलझा रहे, तो क्या किसी को प्रेरित कर पाएगा? रत्नाकर ने अपने जीवन में परिवर्तन का निर्णय लिया, वाल्मीकि बने और समस्त विश्व आज उनको आदर्श रूप में जानता है, रामायण के रचयिता के रूप में जानता है, पूछता है तो क्यों ना अपने भाई बंधुओं को आप समझाएं कि अपनी भूमि के प्रति उनका जो दायित्व है, जो कर्ज है, उसको समझाएं, कुछ करें, अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएं कि अपने कम से कम स्वयं तो नहीं, अपने परिवार को गौरवान्वित करें। परिवर्तन हो गया, एक डकैत ने आप समर्पण किया, श्रृंखला बन गई। उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी जिनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे थे, उनके द्वारा भी सरेंडर किया गया, अपराध मिट गया, जिस अपहरण की कल्पना थी नष्ट हो गया। उसके बाद यही बगल में रोहतास एसपी था, जब पहुंचा था बड़ी बुरी स्थिति थी, डीएसपी साहब शहीद हुए थे 2006 में विक्रमगंज में, बगल में ही आप जानते हैं, दो थाने बगल में ही राजपुर बघेला रोहतास में है, जहां पर आक्रमण हुआ था, कई पुलिसकर्मी मारे गए, बहुत समय से ऐसा चल रहा था। रोहतास का किला उपेक्षित पड़ा था, कोई देखने वाला नहीं था, भय के कारण कोई जाने वाला नहीं था, उग्रवादी अपने आश्रय स्थली के रूप में पूरे कैमूर पहाड़ी का प्रयोग कर रहे थे। उस कैमूर पहाड़ी का जहां कभी हर व्यक्ति गौरवान्वित होता था कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व की यह भूमि रही है, उसी के कारण रोहतास कहा गया। उस कैमूर पहाड़ी का जहां प्राचीन मानव के अवशेष मिलते हैं, उनके द्वारा की हुई चित्रकारी आज भी गौरवान्वित करती है, और प्राचीन भारत में किस प्रकार के लोग रहते थे, उनके जीवन शैली को समझने का अवसर मिलता है। उस कैमूर पहाड़ी का जिसके रोहतास रूप से कभी पूरे पूर्वी भारत का संचालन होता था, और बहुत नजदीक तक मुगल काल तक भी राजा मान सिंह थे, तो पूरे आज के उड़ीसा बंगाल बांग्लादेश सहित बिहार के क्षेत्र का युद्ध कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामना यही होगी, अपने अंदर की क्षमता को जानिए, क्षमता की कमी नहीं है, और जिस साथ विश्वास के साथ आपने हाथ उठाया और कहा मैं सफल होऊंगा, आज से 20 साल बाद जब कभी मिले हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, दृढ़ निश्चय के साथ आप परिश्रम करेंगे और मिलेंगे और बताएंगे कि जो सफलता की मैंने कल्पना की थी उसको मैंने अपने परिश्रम से प्राप्त कर लिया है। तो यही मेरी शुभकामना है, और जो प्रेरित करने का अभियान हम चला रहे हैं, ऐसे ही लोगों को जोड़ने का अभियान है, जिनके मन में इस प्रकार का आत्मविश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो, और वो चाहते हैं कि हम कुछ करें। हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार का भविष्य उज्ज्वल हो, लेकिन उसकी पहली सीढ़ी, पहला सोपान यही होगा, स्वयं स्थापित हो, उस रूप में स्थापित हो कि हम दूसरों को प्रेरित करें और मिलकर कुछ आंशिक ही सही लेकिन समाज के लिए योगदान करें, केवल अपने लिए नहीं सोचें, कुछ मिलकर जब हम सोचेंगे तो जो भी चिंताएं हमको ग्रस्त कर रही हैं उन पर चिंतन करेंगे, सारे व्यवधान मिट जाएंगे, और जिस भूमि ने कभी इतिहास में उत्कर्ष को देखा था उससे बहुत उज्ज्वल भविष्य हमारा होने की क्षमता है, सामर्थ्य है, जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और बक्सर चैप्टर से जुड़े सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आप सभी को यहां बुलाने के लिए, और जो जिस दीप को हमने प्रज्वलित किया, असंख्य लोगों को प्रज्वलित करे, प्रेरित करे, यही मैं आपसे चाहता हूँ। संदेश कहा तो यहाँ नहीं है, इसको प्रसारित करें, आइए मिलकर युवा शक्ति को आह्वान के साथ हम प्रेरित करें, जागृत करें, अपने भविष्य को उसको निर्माण करने की जो क्षमता है उसको सिद्ध करते हुए हम स्वयं कुछ प्रयास करें। धन्यवाद, जय हिंद। निश्चय ही